रेडी। तो देखिए ये सांप कौन देख रहा है? हाँ ये देखो। हाँ तो देखो कितना अच्छा है कि सांप सांप को देख के एकदम पहचान लेते हो कि रसल वाइपर है। इधर इधर देखिए बारिश हुआ है ना, इससे थोड़ा ठंडे की वजह से ये भी जो है सुकुड़ सा गया है। ठंडी में ये लोग को थोड़ा कमजोर हो जाते हैं क्योंकि ये लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ठंडे खून के प्राणी है ना, इसे ठंडा इन लोग को बर्दाश्त नहीं होता है। गर्म चाहिए। और जब ठंडी का दिन आता है तो धूप सेकने के लिए बाहर आता है। थोड़ा पीछे हटो तो देखो, इसको पकड़ने का हम भी वो नहीं करते हैं रिस्क। इसको हम जितना सिंपल तरीका से बोरा में डाल दें उतना ही अच्छा है। पकड़े भी टॉर्च पकड़े तो बहुत तगड़ा बटोलू। बाकी दिखाइए नहीं नहीं ये रहा। देख रहे हैं देखा तो ऊपर नहीं मारता ना कि इसी सांप का यही घातक है कि फुफकारता है। ये देखिए हाथ और बचा के सांप का बड़ा खाता है कि ये उछल के भी काट सकता है। देखो कैसे गुजरा रहा है। देखिए बरसात में सावधान रहिए, बरसात में है जो ब्लीचिंग पाउडर फिनाइल डिटॉल जो भी आपके आंगन वागन में छिड़कते रहे क्योंकि ये सब चूहे के चक्कर में आते हैं। बाकी से कोई खतरे वाली बात नहीं, सुरक्षित रहिए। जीव जंतु में तो सामना तो होगा क्योंकि हम लोग खुद जंगल में रह रहे हैं तो कहाँ जाएंगे सब जी। इस सांप की खासियत है कि बोरा के अंदर से भी अगर ये झूठ मूठ का भी काटेगा तो दांत तुरंत बाहर निकाल देगा, छेद कर देगा। अरे भाई वो सब नहीं, अब रात में ना उतना थोड़ी ना रिस्क लेंगे। अभी पकड़ेंगे, ऊपर से जहरीला है। देखिए रात हो गया इसलिए अब वो सब काम नहीं है, इसलिए हम सुरक्षित इसको पकड़ के डाल देंगे। ठीक है भाई, हाथ धो लिया। देखिए अभी जो हम लोग ने रसल वाइपर पकड़ा है, यहाँ प्लांट है, प्लांट के पीछे पूरा जंगल ही जंगल है। और बारिश देख ही रहे कि कितना हम बारिश में भीग रहे हैं। सुबह से आपको देखिए ये है हमारा रसल वाइपर। देखिए जो है चला जाएगा, क्या बोल रहे हैं।